आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सत्ता आज सरकार बन के आई है और हम सब जानते हैं कि ये सत्ता हमें कैसे आई है, कांग्रेस कैसे हटी, कौन से मशीन कितने पावरफुल थे, जब हमने अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वो बीजेपी पे वोट गया, जब हमने दूसरी अन्य पार्टियों को वोट दिया तो वो बीजेपी पे वोट गया। मेरा ये सवाल है आपसे, आज जो भी हो चुकी बातें, यानी कल तक के जो भी बातें हो चुकी, 2014 की बात कर रही हूं मैं, ये हमारी बदनसीबी है, पूरे भारत वालों की बदनसीबी है कि ये लोग एक होना चाहते नहीं हैं, इन लोगों को सिर्फ तोड़ा जा रहा है और ये टूटते जा रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ तोड़ा जा रहा है और टूटते जा रहे हैं, और तोड़ने वाले भारतीयों, मैं आपसे कहती हूँ तोड़ने वाले, आप एक दिमाग में बात डाल लो कि तोड़ने वाले है कौन। ये RSS की संघ, बचपन से मैं इसके बारे में सुनती आ रही हूँ, मैंने बहुत इग्नोर कर लिया, आज मैं बुढ़ापे में जाने वाली हूँ, अब मैं इससे ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे लिए शर्मनाक की बात है कि मैं अब इस चीज को इग्नोर करूं कि RSS की संघ अभी भी वही सिखा रही है जो मैं कल पैदा हुई थी उस वक्त से सिखा रही है। मैं जानती हूँ बीजेपी वालों, भाजपा वाले कभी मुसलमान को पसंद नहीं करते, दलितों को नीचा दिखाते हैं, सिख ईसाई तो इनके लिए कचरा है, आदिवासी तो इनके लिए कोई कीमत ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है इनके लिए, RSS और बीजेपी वालों के लिए, किसान वाले बस कांदा पता है, कांदा अनियन अगर वो भी उगा ले तो उसकी कीमत 5 पैसा है एक किलो, यानी 10 से 12-15 पीस कांदा एक किलो में आता है, गवर्नमेंट उसे 5 पैसे में खरीदती है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा, आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं बीजेपी वालों की तरफ से, बीजेपी वाले सबसे पहले तो ये देखे कि बीजेपी निर्माण करने आई है या विनाश करने आई है, बर्बादी करेगी या भारत को ऊंचाई के लेवल पे ले जाएगी। दूसरी बात, अगर कांग्रेस भी होती तो मैं यही कहती, अन्य पार्टी भी होती तो मैं यही कहती, सत्ता में जो है उसका बोलबाला है, लेकिन एक हद तक, पानी यहां तक आएगा, कोई भी आदमी पानी सर के ऊपर जाने तक तो हाथ पैर मारेगा ही मारेगा, ताकि उससे ऊपर आना है, अपनी जान बचाना है। तो अब ये मेरा मेन मुद्दा है कि हमें अपनी जान बचानी है। रही बात, मैं आपसे बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी, 16 अक्टूबर को SC+ ST+ OBC+ SBC+ VJ+ NT+ ये पूरे अंबेडकरिट के साथ 16 अगस्त को पूरे लोग एक हो रहे हैं, हम एक हो रहे हैं, मुसलमान एक हो रहे हैं, पंजाबी, सिख, अंबेडकरिट, हर एक आदिवासी, हर एक एक हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है, इसको आपको बर्दाश्त करना है, कांग्रेस ये तुम्हें बर्दाश्त करना है, अन्य पार्टियों ये तुम्हें बर्दाश्त करना है। ये झटका जो लगेगा तो ये जलजले से बड़ा झटका है। 16 अक्टूबर से ये शुरुआत होगी और आप लोगों को इसका भुगतान 2019 तक दिखाई दिए जाएगा, क्योंकि 100 सुनार की तो एक लोहार की, और दूसरी बात, ये कदम इसके लिए उठ रहा है हमारा, क्योंकि साध्वी प्राची गांधी जी को मारे, चप्पल गोडसे की मूर्ति लगाए, कोई फर्क नहीं पड़े, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोले, फ्लैग जल गया हमारा, साध्वी प्राची ने एक फ्लैग जला दिया, उल्टी गंगा इसकी हमेशा बहती है, तो कोई कुछ नहीं बोले, मुसलमानों पे आके यहाँ पे आती है सुई, मुसलमानों पे टिक 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 अटक जाती है,
सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब दिखाई देते हैं इसको, जो पाकिस्तान वालों के अगेंस्ट जाना है इसको। पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना है, साध्वी प्राची को, इंडियन मुसलमान को टारगेट करना है, आतंक को टारगेट नहीं करना है, इसे आतंक फैलाना है। रही बात डॉक्टर जाकिर नायक, बेचारा पूरी वर्ल्ड में घूमता है, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम की बातें करता है, इस्लाम की बातें बताता है, ये उसका धर्म है, मजहब है, ये उसका हक है, वो मुसलमान पैदा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे तुम राम राम कर सकते हो, जय कृष्ण कर सकते हो, जैसे तुम आज गांधी जी को चप्पल मार सकते हो, गोडसे की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, तो हम मुसलमान अपना धर्म क्यों छोड़े? हम डॉक्टर जाकिर नायक हो, उसको हम फॉलो क्यों नहीं करें? प्राची साध्वी ने कह दिया कि वो एक आतंकवादी है। प्राची साध्वी, साध्वी प्राची, 50 लाख रुपए उसकी गर्दन काट के लाने वाले को देने वाली है। अरे ना फिकर औरत, पहले ये सोच कि तू और तेरे बंदे, तेरे भक्त, उसकी गर्दन लाना बहुत दूर की बात है। ये बात ध्यान से सुनना, मैं जाकिर, डॉक्टर जाकिर नाइक को लाती हूँ, रिस्पेक्टेड डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं लाती हूँ। प्रधानमंत्री जी आप भी सामने रहोगे, मैं रहूंगी और साध्वी प्राची रहेगी, और तेरे हाथ में मैं तलवार देती हूँ, और तू कलम कर, और तू डॉक्टर जाकिर नाइक की गर्दन तू कलम कर, मैं तुझे 50 करोड़ दूंगी। 50 करोड़, कितना? 50 करोड़, लिख ले। भाइयों आप लोग सब शाहद हो, आप लोग ये सबूत है, मैंने ये बात कही। 50 करोड़ मैं दूंगी, 50 लाख की इंसान की गिनती नहीं है। 50 लाख तू देगी इस इंसान को, जिसकी लेवल जिधर है ना वो बात कर। और पहली बात, मेरे रहते हुए तू डॉक्टर जाकिर नायक का सर तो कलम करके दिखा, पूरे पूरे ही मुसलमान को पीछे छोड़, ये एक के सामने खड़े हो बस, ये एक के सामने खड़े हो बस, इसके बाद मैं तुझे देखूंगी। दूसरी बात, ये जो भी बालिका साध्वी है, ये इतने से अंडे में है अभी, और जो स्कूल में ये पढ़ती है ना, मैं मुझ जैसे उसके प्रिंसिपल रह के निकल के जमाना हो गया, यूनिवर्सिटी के हम प्रिंसिपल रह चुके। ये बात याद रख, ओवैसी के खिलाफ खड़ी होती है क्योंकि वो मुसलमान है। अरे ओवैसी को क्यों टारगेट कर रही है तू? ओवैसी ने तेरा किया क्या? ओवैसी को कहती है कि राम मंदिर तो बन के रहेगा, तो उसने कौन सा तुझे कह दिया कि राम मंदिर नहीं बनेगा? कौन से मुसलमान ने कहा नहीं बनेगा? फिर मुद्दे क्यों है नहीं तुम्हारे पास? मुद्दे क्यों नहीं है? एक राम मंदिर पे आके क्यों इधर सुई अटकती है तुम्हारी? क्यों राम मंदिर बनेगा यार? बनाओ ना, लक्ष्मण मंदिर बनाओ, सीता मंदिर बनाओ, महादेव मंदिर बनाओ, गणपति मंदिर बनाओ। राम मंदिर महादेव के एक रूप है जो इंसान का रूप लेके आया है दुनिया में, उसका मंदिर बनेगा? बनाओ, मैं बनाऊंगी। लेकिन ओवैसी या ओवैसी ब्रदर या किसी भी मुसलमान पे तू उंगली नहीं उठाएगी। और जिधर राम मंदिर बनेगा, इस मुस्लिम और पंजाबी से सुन, जिधर राम मंदिर बनेगा उधर ही एक गुरु नानक बनेगा, उधर ही एक मस्जिद बनेगी, उधर ही जय भीम वाला एक भीम का, अंबेडकर का भवन बनेगा, और उधर ही वहीं पे ही आदिवासियों के अगर कोई भगवान है तो हम वो बनाएंगे, बुद्धिस्ट का कोई भगवान है तो बुद्धिस्ट की हम लोग मूर्ति स्थापित करेंगे, वहीं पे क्रिश्चियन के लिए, ईसाइयों के लिए हम वहां पे चर्च बनाएंगे। तू राम मंदिर बना और हम ये बनाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तू राम मंदिर किधर बनाती है। बीजेपी वालों को मैं आज भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये जो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, ये सब जेल की हवा खा चुके हैं, इन लोगों ने कई खून कर दिए, ये इल्जाम है, सब है, फिर भी आज आप मुसलमान शहाबुद्दीन के पीछे पड़े हो, क्यों? देखो बीजेपी वालों, आपको निर्माण करना है, भारत का निर्माण करना है, अगर बर्बाद कर रहे हो तो भारत को करो, लेकिन भारतीयों को नहीं करो, और भारत को बर्बाद करोगे लेकिन हम निर्माण करेंगे। सैनिकों के लिए जगह पे शहीद शहादत, ये रवि नाम के एक नाफिकार जिसने कत्ल किया है, जो कातिल है अखलाक का, उसके लिए तुमने तिरंगा ये किया, उसके अंग पे तिरंगा, और 25 लाख मुआवजा देते हो उसको,
25 लाख पे सेटलमेंट। अरे कातिल था वो, उसको 25 लाख देते हो। जब सैनिक मरते हैं बॉर्डर पे, सीमा पे, हमारे आर्मी सैनिक, तो उनको क्या मिलता है? उनके लिए कोई क्यों नहीं उतरता बाहर? उसके लिए, उसकी शहादत के लिए कोई क्यों बाहर नहीं आता? क्यों उसके लिए कोई सेटलमेंट नहीं होती? कोई सरकार क्यों नहीं आती? कैबिनेट का कोई मंत्री क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आती यूपी की सरकार? क्यों नहीं आती महाराष्ट्र की सरकार बाहर? क्यों नहीं आती हैदराबाद की सरकार बाहर? क्यों नहीं आती बेंगलोर की सरकार बाहर? क्यों नहीं आती बीजेपी? क्यों नहीं आती कांग्रेस? क्यों नहीं आती शिवसेना? क्यों नहीं आते तुम लोग? क्यों नहीं आते ओवैसी जी? मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप क्यों नहीं आए आगे? सब आम आदमी केजरीवाल, आप क्यों नहीं आए आगे? हाँ अन्ना हजारे, आप क्यों नहीं आए? सैनिक सैनिक पागल है, पागल है सैनिक, सीमा पे रहते हैं, अपनी जान देते हैं, और ये कातिलों को तुम लोग तिरंगा लगा रहे हो? अरे इसकी शर्म के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। उमा भारती भड़काऊ भाषण, सुषमा स्वराज भड़काऊ भाषण, स्मृति ईरानी भड़काऊ भाषण, साध्वी प्राची भड़काऊ भाषण, अमित शाह भड़काऊ भाषण, आरएसएस भड़काऊ, खट्टर भड़काऊ, ये जो बालिका सरस्वती भड़काऊ भाषण, तुम लोग निर्माण करने आए हो कि भारत के टुकड़े करने आए हो, पहले ये बताओ। और कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, तुम लोगों को तो अच्छा तमाचा पड़ा है इस बार, अच्छा जबरदस्त तमाचा पड़ा है कि बीजेपी जैसी कातिल सरकार आई है। अब बीजेपी को तमाचा पड़ेगा बड़ा, अब बीजेपी को पड़ेगा। इसकी शुरुआत होती है 16 अक्टूबर से, और नरेंद्र मोदी जी, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, निर्माण करके दिखाओ। आपका एक डायलॉग है, मैं बोल के बताती हूँ, और दो मैं बनूंगा तुम्हारा विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, सेवक, सब कुछ बनूंगा मैं तुम्हारा। मैं उस सांसद के सामने अब एक मैं वॉचमैन का काम करूंगा, उस सांसद में मैं एक वॉचमैन बनूंगा, मैं रखवाली करूंगा इस देश के लिए, मैं रखवाली करूंगा, मैं उस सांसद का वॉचमैन बनूंगा। वॉचमैन बने आप वॉचमैन बने क्या? हम सबको अपने आप सबको बर्बाद कर दिया आपने। नरेंद्र मोदी जी, आज भी ये भड़काऊ भाषण को बंद करो, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। ये जुल्म बंद करना बंद कर दो, नहीं तो अभी आंदोलन उठा है, ये अब नहीं रुकेगा। 16 अक्टूबर से मैं भीम वाली, मैं हूँ अम्बेडकर वाली, मैं हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद वाली, मैं हूँ गुरु नानक वाली, मैं हूँ बुद्धिस्ट, मैं हूँ राम वाली, मैं हूँ, आओ आओ, मैं हूँ एक भारत, आओ इस आंदोलन के सामने आओ। जय हिंद, जय इस्लाम।